इंडियन रेलवे जो कि दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे नेटवर्क है और साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे हर साल 5321 मिलियन पैसेंजर के अराउंड लोगों को ट्रैवलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन अब इतने स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रेन होने के बावजूद भी इंडिया में आज भी ट्रेन अपने टाइम से हमेशा लेट हो जाती है और इस बात को आपने भी जरूर नोटिस किया होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रही इस ऑडियो के थ्रू। लेकिन अब सवाल आता है, इतने सुपर फास्ट ट्रेन्स होने के बावजूद भी इंडिया में ट्रेन्स इतना स्लो क्यों चलती है और क्यों लेट हो जाती है अपने समय पर? तो चलिए आज इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, भले ही इंडियन रेलवे अपने सुपर फास्ट ट्रेन्स और लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक की वजह से वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में आता हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एग्जांपल के तौर पर अमेरिका की सुपर फास्ट ट्रेन और इंडिया की सुपर फास्ट ट्रेन दोनों का डिस्टेंस कवरेज देखें, तो उसमें अमेरिका की ट्रेन जहां 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए सिर्फ 30 मिनट लेगी, वहीं पर इंडियन ट्रेन यही दूरी को 1 से 1.5 घंटे में कवर कर पाएगी। अब ये बात आपको भले ही सुनने में कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन ये बात सच है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया की सुपर फास्ट ट्रेन जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सिर्फ 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, यानी कि एवरेज स्पीड पर ही रन किया जाता है। और ऐसा सिर्फ इस ट्रेन के साथ नहीं बल्कि सारे एक्सप्रेस ट्रेन के साथ भी होता है, और इस बात को आप इस टेबल के थ्रू आसानी से समझ सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेन की स्पीड के रिगार्डिंग कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है तो उसे कई अननेसेसरी रीजन से चुप करवा दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसे जेन्युइन रीजंस बताऊंगा जिस वजह से इंडियन ट्रेन्स हमेशा अपने समय पर लेट हो जाती है। नंबर 1, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंडियन रेलवे नेटवर्क लार्ज स्केल पर फैला हुआ है, यानी कि ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया कवर करता है, जिस वजह से ज्यादातर ट्रेन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवे ट्रैक्स और ब्रिजेस जिनके ऊपर से ट्रेन गुजरती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आउटडेटेड हो जाती है, और समय पर रिकंस्ट्रक्शन ना करवाने की वजह से ट्रेन्स की स्पीड को मजबूरन कम रखना पड़ता है। नंबर 2, हाई पैसेंजर डेंसिटी। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की करंटली पॉपुलेशन 140.76 करोड़ है, और एज अ रिजल्ट इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन्स की डिमांड भी सिग्निफिकेंट है, जिस वजह से ट्रेन में अक्सर हाई नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी किए जाते हैं। इन शॉर्ट, ओवरलोड पैसेंजर को कैरी किया जाता है। अब ऐसे में ट्रेन ओवरलोड होने की वजह से ट्रेन को कम डिस्टेंस वाले फ्रीक्वेंट स्टॉप पर रुकना पड़ता है, और एज अ रिजल्ट ट्रेन को बार बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए अपनी स्पीड को अगेन स्लो रखना पड़ता है। नंबर 3, क्रॉसिंग एंड लेवल क्रॉसिंग। दोस्तों, इंडिया के अंदर अराउंड 108,706 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स मौजूद है, और इन ट्रैक्स पर हर एक सर्टन डिस्टेंस के बाद हाईवे क्रॉसिंग को दिया गया है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर रेलवे ट्रैक और हाईवेज का इंटरसेक्ट होता है। अब ऐसे में ट्रेन्स को अक्सर अपनी स्पीड को स्लो रखना पड़ता है ताकि वो रोड क्रॉसिंग पर बिना किसी एक्सीडेंट के डिस्टेंस कवर कर पाए। अब दोस्तों, यही वो कुछ सर्वल रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया के अंदर एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर एक एवरेज ट्रेन को भी अपनी स्लोएस्ट स्पीड पर चलाया जाता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है इंडियन रेलवे को बेहतरीन बनाने की, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।